आज हम जानेंगे हाउ टू प्रिपेयर सीसेट फॉर यूपीएससी सीएससी। यूपीएससी सीएससी में सीसेट की तैयारी कैसे करें। हेलो एवरीवन, आई एम अंजु कुमारी, अ करियर साइकोलॉजिस्ट ऑफ योजना आईएएस। आज हम जानेंगे हाउ टू प्रिपेयर सीसेट फॉर यूपीएससी सीएससी। यूपीएससी सीएससी में सीसेट की तैयारी कैसे करें। ठीक है, जैसे हम सब जानते हैं यूपीएससी का एग्जाम 3 स्टेज में होता है। यूपीएससी का एग्जाम 3 स्टेज में होता है। पहले प्रीलिम्स होता है। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तब आप मेंस के लिए अपियर होते हैं, और जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इंटरव्यू, जिसको पर्सनालिटी टेस्ट के लिए अपियर होते हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है। ठीक है, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन में आपसे जीएस पूछा जाता है, जनरल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, बेसिक साइंस एंड करेंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होता है, 200 मार्क्स का, मतलब ईच क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, निगेटिव मार्किंग 1/3 है। लेकिन जो पेपर सेकेंड पेपर है उसमें आपसे सीसेट पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि सीसेट की तैयारी हम कैसे करें, सीसेट का क्या इंपॉर्टेंस है यूपीएससी के एग्जाम में। ठीक है, देखिए जो पेपर सेकेंड होता है सीसेट का, सीसेट के पेपर में टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं। ईच क्वेश्चन फॉर 2.5 मार्क्स, ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। ठीक है, मतलब टोटल 200 मार्क्स का सीसेट होता है। यहां भी आपका निगेटिव मार्किंग है, अगर आप गलत करते हैं तो 1/3 आपका मार्क्स काटा जाएगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। मतलब जब आप एक सही करते हैं उसके लिए आपको एक क्वेश्चन का आंसर सही करते हैं तो उसके लिए आपको 2.5 मार्क्स दिया जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं तो आपको 1/3 मार्क्स काटा जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो सीसेट का पेपर है, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन में जीएस पूछा जाता है एंड पेपर टू में सीसेट पूछा जाता है। सीसेट में क्या क्या पूछे जाते हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे, या हम जान लेते हैं कि किस तरीके से उसका मार्किंग स्कीम है। तो सबसे पहले इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, टोटल क्वेश्चन 80 होता है, ईच क्वेश्चन फॉर 2.5 मार्क्स, टोटल मार्क्स 200 मार्क्स का होता है, निगेटिव मार्किंग 1/3 है। सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, उसमें से कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और उसका उसको फाइनल करना है, कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके। ठीक है, लेकिन सीसेट का जो पेपर होता है ये क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब आपको 33% लाना होता है, मतलब आपको 200 मार्क्स में से 33% आपको लाना है, केवल क्वालिफाई करना है। इसका मार्क्स आपका मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा, जो आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट तय करेगा वो आपका जीएस पेपर तय करेगा, उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ निकलता है। ठीक है, लेकिन सीसेट का पेपर आपका क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए ये पेपर इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप सीसेट क्वालिफाई नहीं करेंगे
अगर आप प्रीलिम्स में अच्छा भी मार्क्स लाते हैं, बहुत अच्छा, मतलब कि जैसे लास्ट ईयर अगर हम प्रीलिम्स का कट ऑफ देखते हैं तो उसका 88 पॉइंट समथिंग, मतलब 89-90 के आसपास जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था, ठीक है। अगर आप प्रीलिम्स में जीएस पेपर में 120 के आसपास भी अगर आप मार्क्स ला रहे हैं और सीसेट में आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो आप फेल हैं, आप प्रीलिम्स फेल हैं, तो आपको सीसेट भी क्वालिफाई करना है और प्रीलिम्स का जीएस पेपर में भी कट ऑफ क्रॉस करना है, मतलब उसमें भी अच्छा मार्क्स लाना है, 90-100 के आसपास आपको उसमें भी मार्क्स लाना है। आप जीएस पेपर में अगर 90-110 के बीच में मार्क्स लाते हैं तो आप सेफ जोन में होते हैं, ठीक है। तो आपको सीसेट को भी इम्पोर्टेंट देना है, ऐसा नहीं कि सीसेट क्वालिफाई है तो उसको पढ़ना ही नहीं है, ऐसे ही जाकर टिक लगाना है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो सोचते हैं उनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है, बीटेक बैकग्राउंड रहा है, मैथ के स्टूडेंट रहे तो उनका मैथ अच्छा है, वो आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन इस बार 2023 का जब प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट सीसेट में फेल हुए हैं। सीसेट में फेल होने की वजह से उनका रिजल्ट नहीं हो पाया है, उनका जीएस का पेपर बहुत अच्छा गया है और सीसेट में वो फेल हो चुके हैं, तो उनका मार्क, उनका रिजल्ट आया ही नहीं। तो आपको जीएस के साथ साथ सीसेट को भी ध्यान में रखकर पढ़ना है। आप बताइए 200 मार्क्स में से 33% लाना है, 200 मार्क्स का 33%, मतलब आपको 66 मार्क्स आपको लाना है 200 में से, ठीक है। अगर आप 80 क्वेश्चन में से 28-27 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो आपका मार्क्स अच्छा है, मतलब कि आप पास हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 66% ही लाएंगे या आप जाकर 27 ही सही करेंगे, ज़रूरी तो नहीं है कि आप जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं, जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो सारा सही है। तो आपको यहाँ ध्यान देने की बात है कि आपको कौन सा पोर्शन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये सारे चीज़ को ध्यान में रखकर एक स्मार्ट स्टडी की तरह आपको तैयारी करनी होगी, ठीक है। तो चलिए आज हम अब हम जानते हैं कि सीसेट में कौन कौन से पोर्शन से कौन कौन सा टॉपिक उसमें पूछा जाता है और उससे रिलेटेड हम किस तरीके से तैयारी करें ताकि हमारा रिजल्ट सीसेट में अच्छा आए, ठीक है। देखिए सीसेट में जो पूछा जाता है कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा आपसे, एक पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन दिए रहेंगे, उस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है, आपको यहाँ स्मार्ट स्टडी करना है। कॉम्प्रिहेंशन का पढ़ने का भी तरीका अलग होता है, कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का तरीका बहुत अलग होता है। अगर आप ट्रेडिशनल रूल अपना कर कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ी मुश्किल होगी, ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश मीडियम में भी रहेगी और हिंदी में भी रहेगी। हिंदी मीडियम वाले ये नहीं समझिएगा कि केवल इंग्लिश में, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में पेपर रहते हैं, तो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी का पैसेज रहेगा वो आप पढ़िए, और इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश के, इंग्लिश का पैसेज पढ़कर उसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ETC क्लास 10th लेवल, डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डेटा सफिशिएंस, ETC क्लास 10th लेवल का होता है, ठीक है। टॉपिक आपको समझ में आ गया कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, मैथ्स, 10th लेवल का मैथ्स रहता है। तो अब बात आती है कि आप ये सीसेट की तैयारी कैसे करेंगे और किस तरीके से आप स्मार्ट स्टडी करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं सीसेट में ताकि आप क्वालिफाई कर लें और आपका प्रीलिम्स में रिजल्ट भी हो जाए, क्योंकि अगर आप सीसेट में क्वालिफाई करेंगे, जीएस में भी अच्छा मार्क्स लाएंगे तो ऑफकोर्स आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी हम कैसे करें। देखिए कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का एक
बेस्ड जो तरीका होता है वो तरीका ये है कि आप कॉम्प्रिहेंशन को आप पूरा स्टार्टिंग में कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़िए। स्टार्टिंग में जब आप किसी भी कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे ना, तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ने से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको क्वेश्चन का की पॉइंट पता चल जाएगा। उसके बाद जब आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे ना, तो आपके दिमाग में वो की पॉइंट बैठा रहेगा और जब भी आप उस पॉइंट को पढ़ेंगे आपको डायरेक्ट याद आया कि अच्छा ये पॉइंट तो पूछा गया था क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो भी है, आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक निकालिए। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक निकालिए PYQ, वहां से आप कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैथ्स, रीजनिंग, जितने भी सीसेट के पेपर है, क्वेश्चन है, वो सारा वहां से सॉल्व कीजिए, ठीक है। वहां से अगर आप सॉल्व करते हैं तो एक प्रैक्टिस बनी रहेगी आपको, और एक आइडिया भी रहेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीसेट में, और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। जो अगर आप कुछ बच्चे होते हैं जो मैथ्स उनका उतना अच्छा नहीं होता है लेकिन रीजनिंग अच्छा होता है, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होता है, तो आप कोशिश कीजिए कि मैथ का क्वेश्चन बाद में करें, पहले आप रीजनिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें। मतलब 80 क्वेश्चन होते हैं ना, तो 80 में तो जरूरी नहीं कि आपको 80 के 80 क्वेश्चन सही आ रहे हैं। अगर सही आ रहे हैं तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो सबसे पहले आप ये अपने, ये सबका अलग अलग है, किसी का मैथ बहुत अच्छा होता है, किसी का रीजनिंग बहुत अच्छा होता है, किसी का कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा होता है। तो आप ये आप सोचिए कि आपका क्या अच्छा है। मैथ्स में अगर आप अच्छे हैं तो आप मैथ्स का क्वेश्चन पहले कीजिए, रीजनिंग में आप अच्छे हैं तो रीजनिंग का क्वेश्चन पहले कीजिए, अगर कॉम्प्रिहेंशन में आप अच्छे हैं अगर तो आप कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन पहले कीजिए। 80 क्वेश्चन में आप ट्राई कीजिए कि 40-50 क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है। 40-50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। आपको कितना मार्क्स लाना है? 66 मार्क्स लाना है, मतलब 27 अगर आप सही करते हैं तो आपका सिलेक्शन होता है। तो अगर आप 40-50 क्वेश्चन सही करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, उसमें से हो सकता है कुछ गलत भी है, ऐसा तो होता है ना, हम जानबूझकर तो क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी होता है मिस्टेक से हम गलत टिक लगा देते हैं। तो ये सारे को लेकर मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप 40-50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं वो भी स्मार्ट तरीके से, जैसे अगर आप रीजनिंग अच्छा है तो आप पहले रीजनिंग का अटेम्प्ट कीजिए इस तरीके से, ठीक है। बेस्ट तरीका है आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वहाँ से आपको बेसिक आइडिया लगेगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है कि केवल GS पे ही फोकस करना है, GS के साथ साथ आपको CSAT पे भी फोकस करना है। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि CSAT को आप तब पढ़ना स्टार्ट कीजिए प्रीलिम्स के 1-2 महीने पहले, बिल्कुल भी नहीं। CSAT के 1-2 महीने पहले बिल्कुल भी पढ़ना स्टार्ट मत कीजिए। जैसे आप डेली रूटीन बनाते होंगे पढ़ाई का, अपना जो भी रूटीन बनाते हैं उसमें अगर आप डेली 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं, 8 आवर्स भी पढ़ रहे हैं, मिनिमम 8 आवर्स भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें से, मतलब क्लास के अलावा मैं बता रही हूँ, क्लास तो आपका रेगुलर आप कर रहे होंगे, क्लास के अलावा अगर आप सेल्फ स्टडी 8 आवर्स कर रहे हैं, 8 आवर्स में अगर आप 6 आवर्स 6 घंटे GS पढ़ रहे हैं और 2 घंटे CSAT पढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो कि एग्जाम के 1 महीने पहले CSAT पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उतना भी ओवर कॉन्फिडेंस होना सही नहीं है, क्योंकि
वो एग्जाम्पल आपको इस साल के प्रीलिम्स के एग्जाम में ही देखने को मिल गया होगा, क्योंकि सीसेट का क्वेश्चन भी थोड़ा लेंदी रहता है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो एक और आइडिया है, आप अगर वीक में मंडे टू फ्राइडे सीसेट पढ़ते हैं, मंडे टू फ्राइडे जीएस डेली पढ़ते हैं 8 आवर्स, ठीक है, तो सैटरडे को आप ये रखिए कि सैटरडे को आपको सीसेट पढ़ना है 8 आवर्स, ठीक है। तो ये आप अपने रूटीन में शामिल कीजिए, और जब भी आप रूटीन बनाइए वीक में मंडे टू सैटरडे, संडे रूटीन मत बनाइए, क्योंकि एक दिन आपको रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। एक दिन आप वैसा डे रखिए जिस दिन आप अपना हॉबी पे काम करें, जो भी आपका हॉबी है, गाना सुनना, टहलना, घूमना, मूवी देखना, खेलना, कुछ भी आपका हॉबी है, आप अपने हॉबी पे भी काम कीजिए एक दिन। उससे आपका एक बैलेंस बना रहेगा, ऐसा नहीं कि दिन भर बर्डन पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ऐसे करने से रिजल्ट नहीं आता है। क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि आप 3 महीने या 4 महीने कंटिन्यूस पढ़कर आप रिजल्ट ला सकते हैं। यूपीएससी के रिजल्ट लाने के लिए आपको इस पे मिनिमम एक से डेढ़ साल तक तो आपको यहाँ टाइम देना ही होगा। एक से डेढ़ साल तक केवल पढ़ाई पे फोकस रहना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप वीक में मंडे टू सैटरडे पढ़ाई कीजिए, एक दिन आप अपने रेस्ट दीजिए, अपने हॉबी पे भी काम कीजिए, तभी आपका एक बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग से सीसेट को लेकर चलिए, ऐसा नहीं कि जब एग्जाम आएगा उस टाइम हमको सीसेट पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सीसेट भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना जीएस। क्योंकि जब आप सीसेट में फेल कर जाएंगे क्या फ़ायदा जीएस में 120 नंबर लाकर, क्या फ़ायदा मेंस आंसर राइटिंग होने का क्या फ़ायदा, जब आपका मेंस आंसर राइटिंग बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से मेंस की भी तैयारी कर चुके हैं, प्रीलिम्स की भी तैयारी कर चुके हैं, इंटरव्यू की भी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन सीसेट की आप तैयारी नहीं की है, क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं, आप प्रीलिम्स में ही फेल हो जाएंगे। तो इसलिए स्टार्टिंग से ये सब लेकर चलिए कि मुझे जीएस को भी ध्यान में रखना है, सीसेट के लिए भी टाइम निकालना है। योजना आईएएस में दिसंबर फर्स्ट वीक से सीसेट की क्लास स्टार्ट होगी, तो आप यहां से आकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे आपको, सीसेट का सारा सिलेबस कवर करवाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस भी करवाएंगे और टेस्ट भी लेंगे, क्योंकि टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। जब आप केवल पढ़ाई कर रहे होते हैं, टेस्ट नहीं देते हैं, तो आपको आइडिया नहीं रहता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, इसलिए हम जब पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट भी लेते हैं ताकि आपकी कंप्लीट तैयारी हो, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ऑल द बेस्ट।